सो हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ कौन है फ्रेश वीडियो के साथ। तो गाइस मैं आज आप लोगों को इस वाले वीडियो में गाइस कुछ इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि बैकग्राउंड को मैं कितना हार्ड एडिट किया हूँ एंड मैं अपने फेस को भी कितना हार्ड एडिट किया हूँ, आप सब यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड गाइस आप लोग देखिए, यहाँ से नॉर्मल फेस है एंड देखिए एडिट फेस है कितना गजब लग रहा है। तो सेम गाइस अगर आपको भी ना कुछ स्टेप से मेरे तरह मैं आपको बताता हूँ एंड इस टाइप से एडिटिंग सीखना ना, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना होगा, तभी जो है गाइस आप मेरे तरह हार्ड बैकग्राउंड को एडिट एंड अपने फेस को मेरे तरह व्हाइट एंड स्मूथ कर सकते हैं। तो इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी फोटो सेलेक्ट करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब मेरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली इस स्टेप का फोटो एडिटिंग करने के लिए बस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप आपको देखना होगा। एंड गाइस यहाँ पे आएंगे एंड इसको हटाएंगे एंड अपने मोबाइल गैलरी के अंदर आएंगे एंड गाइस आने के बाद फोटो को शेयर कर लेंगे। देखिए यहाँ से फोटो को हम लोग सिंपली ओपन कर लेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस स्टेप बाई स्टेप आप वीडियो को देखते रहिए, आपको 100% जो है एडिटिंग मेरे तरह आप सीख जाइएगा। तो सिंपली जो है लाइटरूम ऐप के अंदर इस फोटो को हम लोग सिंपली ओपन कर लेंगे। जस्ट देखिए लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो ऐड हो चुका है एंड ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मतलब आपका फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड होगा ना, तो आपको एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन, तो मेरा बट गाइस नोटिफिकेशन ऐप पर फोटो अपलोड नहीं हो चुका है, नोटिफिकेशन पर एक बार टैप कर देंगे। जस्ट कि आप ऐसे इतना काम कीजिएगा तो आप सीधा लाइटरूम ऐप के अंदर पहुंच जाइएगा, आपको ऑल फोटोज का ऑप्शन मिलेगा एंड इस पर टैप करने के बाद एंड मेरा एक प्रीसेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक प्रीसेट, ठीक है। तो इस प्रीसेट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रीसेट पे आइएगा, ठीक है, अपने प्रीसेट को ओपन कर लीजिएगा एंड आइएगा प्रीसेट पे एंड इस प्रीसेट को कैसे ऐड करना ये चीज़ आपको अच्छे से देख लेना होगा, ठीक है। तो सिंपली इस चीज़ को आपको देखने के लिए बस स्टेप बाई स्टेप वीडियो को देखते रहिए, तो मैं आपको सब कुछ रियल बताऊँगा, इस आप लोग वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते रहिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है यहाँ पर हो चुका है, हमारा प्रीसेट सेटिंग ले चुका है एंड थ्री लाइन पे आएंगे एंड हम लोग यहाँ पे कॉपी सेटिंग में टैप करेंगे एंड इस पे एंड इस पे एंड इस पे करेंगे एंड क्रॉप वाले ऑप्शन को छोड़ देना होगा, ठीक है, और यहाँ से डन कर देना होगा एंड बैक आ जाना होगा। अब आपका जो भी मतलब आपका ओरिजिनल व्यू का उस पर आइएगा, ठीक है। तो नीचे देखिए यहाँ पे थ्री डॉट पे आइएगा एंड यहाँ से फोटो को ये भी सर्चिंग लेगा, फोटो यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। वन क्लिक के अंदर जो है ना आपका फोटो का मतलब यहाँ से रिटच हो जाएगा। देखिए मैं इजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ एंड स्टेप बाई स्टेप गाइस में आप वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे, देखिए गाइस आपको वीडियो में घबराना बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो आप मेरे तरह एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। देखिए वन क्लिक के अंदर फोटो कितना ज़्यादा व्हाइट एंड कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। तो जो है ना फोटो को ऊपर शेयर करेंगे एंड हम लोग ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे एंड यहाँ से फोटो को हम लोग शेयर करेंगे। तो इस फोटो को सिंपली हम लोग ओपन कर लेंगे स्केचबुक ऐप के अंदर। देखिए गाइस मैं बहुत इजी तरीके से मैं आपको स्टेप बाई स्टेप वीडियो आज समझाने वाला हूँ, ऐसा एडिटिंग आपको कोई भी नहीं बताएगा गाइस, स्टेप बाई स्टेप वीडियो को आप लोग देखते रहिए। देन गाइस देखिए जो मैं यहाँ पे मेरा फोटो है जो सर्चिंग ले रहा है एंड हमारा फोटो जो है यहाँ से, अब हम इस फोटो को शेयर करेंगे। देखिए इस फोटो को हम लोग सीधा ओपन करेंगे स्केचबुक ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर फोटो को ओपन करेंगे। देखिए मैं यहाँ से स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ गाइस, आप लोग स्टेप बाई स्टेप देखिए एंड वीडियो में बने रहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कभी कभी फोटो टाइम लेता है, ठीक है, टाइम हमेशा लेता है, ठीक है। यहाँ पे टैप कर देंगे, अब हमारा फोटो जो है ना सेव होना स्टार्ट हो चुका है। ये वाला फोटो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन के अंदर उसको पहले से एडिट किया था, इसीलिए शो कर रहा है। तो जब तक हमारा फोटो सेव हो रहा है यहाँ पे हम लोग गाइस थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो डन गाइस आप लोग यहाँ पे देखिए कि मतलब जो भी हमारा फोटो था यहाँ पे आ चुका है। एंड गाइस आने के बाद अब देखिए आपको जो भी चीज़ बताएंगे बस आपको रियल बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे एंड आपको बताते हैं एंड आपको समझाते भी हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे आइएगा ना तो आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा स्मूथ लिखा हुआ ऑप्शन, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा अपने ब्रश में, ठीक है। एंड यहाँ से ये वाला ब्रश आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, देखिए ये वाला ब्रश, ठीक है। एंड सेटिंग पे आ जाइएगा, अब देखिए इसका सेटिंग जो भी है मैं आपको आँखें के सामने मतलब जो जो भी चीज़ें आप को बताएंगे एंड आपको मतलब आपके सामने करेंगे, ठीक है। तो फोलो को 5 स्टेन को 5, देखिए सेम कितना गजब है। एंड जो साइज है ये आप अपने हिसाब से रखिए, साइज आप पे डिपेंड करते हैं, मैं इसको 50 रखता हूँ एंड यहाँ से कट कर 49 रख लिए, ठीक है। और 49 रखने के बाद मैं अपने फेस पे कुछ स्टेप से ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला कलर आ चुका है एंड इसको भी हम लोग इसी में मिक्स करके आपको बताएंगे, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से जो है हम इसको मिक्स कर लिए हैं। देखिए बहुत थोड़ा बहुत दिखाई देगा एंड इफेक्ट में अच्छा लगता है, ठीक है। फोटो यहाँ पे कभी कभी आपको फोटो में भी आ जाएगा इस तरीके से, तो ये भी चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा फोटो को। देखिए कितना गजब तरीके से मैं जो है ना इसको स्मूथ कराऊँ, तो सेम आप मेरे तरह स्मूथ कर लीजिएगा ना तो फोटो बहुत हैंडसम लगेगा, ठीक है। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए फेस स्मूथ करने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे गाइस जो है ना हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
तो सो गाइस आप लोग यहाँ पे देखिए कि मतलब जो भी हमारा फेस हम इसको स्मूथ कर लिए, आप लोग इसी तरीके से मेरे तरफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद आपको ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे आइएगा, एंड प्लस पे टैप कीजिएगा, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगा। इस लेयर पे एक बार टैप कीजिएगा, नॉर्मल वाले ऑप्शन पे आइएगा, एंड डार्किन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कट और ड्रॉ कर दीजिएगा। अब आपको अब आना होगा ब्रश वाले ऑप्शन पे, एंड लाइब्रेरी पे टैप करना होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा मतलब, और एंड आने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ मिलेगा, एंड आपको यहीं पर ये वाला ब्रश मिल जाएगा, ठीक है। तो आइएगा एंड इस वाले ब्रश पे एंड सेटिंग पे टैप कीजिएगा। तो जो इसका ऑपसिटी है गाइस, देखिए इसका जो ऑपसिटी है मैं 100 रखाऊँ, आप भी 100 रखिएगा, और जो साइज है ये आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैं साइज को अभी 22 रखता हूँ, 21 एंड कट कर देता हूँ। अब आपको कलर वाले ऑप्शन पे आना होगा, एंड देखिए मतलब यहाँ पे अपने लिप्स का कलर रेड सबको ही रखता है, आप भी रेडी रखिएगा, मतलब यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं रेड रखता हूँ एंड कट कर देता हूँ। तो मतलब अब जो भी आपका लिप्स होगा उस पर अपने कलर्स को अप्लाई कीजिएगा मेरे तरह, देखिए सेम आपको मेरे तरह करना होगा। कितना आसान एडिटिंग है गाइस, आप लोग देखिए यहाँ पे मैं आपको कितना इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो जो है ना गाइस, आप लोग इसी तरीके से अपने फोटो को एडिट कीजिएगा। तो देखिए लिप्स बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था, इसको हम लोग यहाँ से कम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए लेयर पे आएंगे एंड इस लेयर पे टैप कर देंगे, और जो इसका ऑपसिटी है घटा बढ़ा सकते हैं, एंड तो हम इसका ऑपसिटी जो है ना कुछ स्टेप से 36 रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लिप्स लग रहा है, ठीक है। तो जो है ना आप फोटो को यहाँ से ऊपर बॉक्स पर टैप करेंगे एंड शेयर पर टैप करके यहाँ से जो है ना फोटो को हम लोग सिंपली शेयर कर लेंगे टूलबिच ऐप के अंदर। तो गाइस वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, ऑयल पेंट कैसे करते हैं अपने बाल पे, ठीक है। तो इसके लिए टूलबिच ऐप के अंदर आपको जाना होगा, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत कुछ मतलब आसान से समझाएंगे, बस स्टेप बाई स्टेप देखिए। तो आपको आना होगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पे एंड सब स्मूथ पे टैप करना होगा। देखिए ये कितना इजी तरीका है, एंड मतलब अभी बहुत सारा ऐसा ऑप्शन खुला है, तो मतलब इसको जितना ज़्यादा रखिएगा ना उतना ज़्यादा ऑयल पेंट होगा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप सब भी देख सकते हैं। तो इसको हम लोग 4 रख लेते हैं, एंड 3 एंड 4 रखेंगे, तो हम लोग 3 रख लेते हैं एंड मार्क्स पे आएंगे। अब एक चीज़ मैं आपको और भी बताता हूँ, जो इरेजर का ऑप्शन है इसको आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, ये पहले से रहता है, अगर नहीं होगा तो कर लीजिएगा। मैं आपको इजी तरीके से बता देता हूँ हर कुछ, क्योंकि आप वीडियो मतलब फोटो एडिटिंग करने में मिस्टेक ना आपसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आँख पर का ऑयल पेंट रिमूव कर लिया एंड फोटो को यहाँ से डन कर देते हैं। तो अब देखिए इस फोटो को डन किए हैं, तो फोटो बहुत हैंडसम लग रहा है, एंड हेयर पे ऑयल पेंट भी हो चुका है, एंड गाइस हम लोग यहाँ पे टैप कर देंगे। तो ये मतलब जो भी हमारा फोटो है ना, तो फोन के गैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा, सिंपली देखिए ऐड हो भी चुका है। एंड हम थोड़ा सा मोबाइल डाटा को ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब फोटो को सेट कर लेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि जो वो एप्लीकेशन है ना गाइस, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा नेट से काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको इजी तरीके से बताऊँगा, बस स्टेप बाई स्टेप वीडियो को देखते रहिए। तो फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर आपको जाना होगा, सिंपली देखिए इस चीज़ में आपको 1 क्लिक के अंदर अपने तरफ बैकग्राउंड को एडिट करना सिखाऊंगा। यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड चेंजिंग इधर उधर मैं कुछ भी नहीं सिखाता हूँ, सब कुछ आपको रियल बताऊंगा। एंड जो भी बैकग्राउंड का क्वालिटी है वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ से इसको तो हटाना होगा, एंड फोटो कट हो चुका है। आपका इस कट होगा तो कुछ स्टेप से आपके सामने जो है ना इंटरफेस खुल जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। इस स्टेप से इंटरफेस खुलेगा तो आप घबराइएगा बिल्कुल ही मत, स्टेप बाई स्टेप वीडियो को देखते रहिएगा इस। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखना होगा, मैं आपको बताता हूँ फोटो एडिटिंग क्लासेस का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको बीच में मिल रहा होगा, देखिए आप लोग ब्लर का ऑप्शन बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए ठीक है। तो इस ब्लर वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा, ठीक है। इस ब्लर वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर दीजिएगा, देखिए कितना हैंडसम लग रहा है फोटो, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लर मेरे पीछे का बैकग्राउंड है। एंड बैकग्राउंड का कलर चेंज करना सिखाएंगे, तो इसके लिए बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे नीचे टैप कर देंगे। एंड बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको आना होगा इस वाले ऑप्शन पे, एंड ब्लर वाले इसको हम लोग एक बार ऐसे करेंगे, एंड इस पे हम लोग मतलब 40 कर लेंगे, एंड यहाँ से डन कर देंगे। तो देखिए बैकग्राउंड जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुका है, फिर से आएंगे बैकग्राउंड पे एंड हम लोग आएंगे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। और हम लोग इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड जो भी मतलब इसका क्वालिटी है कुछ स्टेप से करेंगे, एंड इस स्टेप से करने के बाद सेचुरेशन पे आएंगे, एंड सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एंड कुछ स्टेप से 25 रख लेंगे, एंड ह्यू पे आएंगे, एंड ह्यू को देख लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 1 रख लेते हैं, एंड हम लोग ब्राइटनेस पे आएंगे, ठीक है। ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, ब्राइटनेस को 16 रख लेते हैं, कुछ स्टेप से कर लीजिएगा, एंड इस पे आइएगा, एंड थोड़ा सा सब कुछ को देख लीजिएगा कितना अच्छा लग रहा है, एंड ऑफ सिटी पे आइएगा, ऑफ सिटी को तो माइनस मत कीजिएगा, 100 रख दीजिएगा। तो इस टाइप से बैकग्राउंड देखिए कितना मेरे तरह मतलब एडिट हो चुका है, एंड यहाँ से डन कर देंगे। तो देखिए बैकग्राउंड मेरे तरह सेम आपको दिखाई दे रहा है एंड नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग देख लीजिए। तो मोबाइल डाटा को जो है ना ऑफ कर लेना होगा, मैं अभी ऑफ कर लेता हूँ, एंड फोटो को यहाँ से शेयर कर लेता हूँ, यहाँ से इसको हटाएंगे।
अब हटाने के बाद फोटो को हम लोग शेयर करेंगे, पता है आपको कहाँ, पिकाड ऐप के अंदर गाइस। तो यहाँ पे मैं पिकाड ऐप के अंदर आपको बहुत कुछ आसान तरीके से समझाऊंगा, बस पिकाड ऐप के अंदर आपको जाना होगा। तो ये चीज़ मैं जो गए ना गाइस, आपको रियल एंड सब कुछ रियल बताऊंगा, बस स्टेप बाई स्टेप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको नहीं करने आएगा तो फिर आप मेरे वीडियो को ना कभी भी मत देखिएगा, इसमें आपको इतना आशा दिलाता हूँ। तो सबसे पहले फ़ोटो आया हुआ है, तो ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे। देखिए ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे और जिस फोटो का जो है ना हम लोग यहाँ से वाइल पेंट किए थे उस वाले फ़ोटो को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से मेरा फिर मैं इसको किया था, यहाँ से ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड किए हैं, अब ऐड किए हैं तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो जो है आ चुका है। एंड कुछ स्टेप से फ़ोटो को रखेंगे एंड जो मतलब हमारा ये वाला फ़ोटो है ना इसको कुछ स्टेप से बड़ा करेंगे। मैं कुछ स्टेप से फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट करने का, ऊपर आपको इरेजर का ऑप्शन मिलेगा टैप कीजिएगा एंड नीचे इनवाइट कीजिएगा, नीचे देखिएगा ठीक है, और इनवाइट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एंड वाटर मार्क को रिमूव कर लेंगे। तो देखिए फ़ोटो कितने ज़्यादा काम आया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। एंड हम लोग यहाँ से डन कर देंगे फ़ोटो को, यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। तो देखिए जो है कितना बेहतरीन तरीके से वाटर मार्क आप रिमूव कर सकते हैं एंड ऐड फोटो ऑप्शन पे आएंगे। अब गाइस आने के बाद दो तीन पीएनजी है उसको ऐड करके आपको बता देंगे एंड सिखा देंगे भी। तो मैं अभी नीचे की तरफ आता हूँ एंड नीचे की तरफ आने के बाद मैं ए वाला पीएनजी लेता हूँ एंड यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ए वाला पीएनजी आपको लेना होगा, कुछ स्टेप से बड़ा कर देना होगा एंड मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना ब्लाइंड पे क्लिक करके एंड स्क्रीन कर देते हैं, कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहा है आप लोग देखिए। एंड यहाँ से डन कर देंगे, फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे। देखिए जो पीएनजी है ये आप अच्छे तरीके से मतलब यहाँ से यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वाला पीएनजी लेते हैं एंड ऐड कर देते हैं, ये चीज़ आपको मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ। एंड यहाँ पे रखिएगा एंड थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेम ब्लाइंड पे आएंगे एंड स्क्रीन कर देंगे, देखिए कितना हैंडसम लग रहा है। एंड यहाँ से डन कर देंगे, अब डन किए हैं एंड ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे और दो तीन पीएनजी और भी है उसको भी ऐड करके आपको बता देंगे। देखिए जो भी चीज़ बताएंगे वीडियो में रियल बताएंगे, कोई भी चीज़ फेक नहीं बताएंगे। तो अब जो पीएनजी है कहाँ पे देख सकते हैं एंड यहाँ पे है एंड ऐड कर देते हैं। अब ऐड किए हैं एंड यहाँ पे इसको रखेंगे एंड कुछ स्टेप से एंड ब्लाइंड पे आएंगे एंड स्क्रीन कर देंगे, देखिए ये भी कितना हैंडसम लग रहा है आप लोग देखिए। एंड ऐड कर देंगे, फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे और वो जो पीएनजी है ना कुछ ज़्यादा नीचे है इसलिए हम सीधे अपने फ़ोन के गैलरी में चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा इसमें फ़ोटो हम लोग ऊपर करते करते थक जाएंगे फिर भी नहीं मिलेगा, तो आप कहिएगा भाई वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, इसलिए मैं अपने मोबाइल गैलरी के अंदर आया हूँ एंड ए वाला पीएनजी लेता हूँ एंड ऐड कर देता हूँ। इसमें जो भी पीएनजी का इसमें यूज कर रहा हूँ वो सबका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा एंड स्क्रीन कर दीजिएगा इसको भी, ठीक है। तो ये भी कितना हैंडसम लग रहा है आप भी देख सकते हैं, आप लोग लाइव में ऐसे ऐड कर देते हैं। तो वैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा फोटो है कितना बेहतरीन तरीके से मैं इसको एडिट कर चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर से मिलता हूँ कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।